Am I audible, visible, guys? Am I audible, visible? अच्छा, ओके. थैंक यू साक्षी, सिमरन, निधि. थैंक यू गाइस. मुझे लगा फिर से नहीं चल रहा. भाई थैंक यू. एक बार ग्रुप पर भी मैसेज कर दीजिएगा. और आप सभी लोग आए थे, थैंक यू अगेन. चलिए, इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीपीसी. देखो, सीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं. वैसे तो आप लोगों ने हो सकता है सीपीसी पढ़ा हो, मगर सीपीसी हमेशा याद करने में बहुत परेशान करता है, स्पेशली प्री के लिए और मेंस के लिए कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल करता है. तो आज अगर आप लोगों को सीपीसी में ये इशू है, ये समस्याएं हैं, तो आज आप लोगों को इस समस्याओं का समाधान मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सीपीसी पढ़ाने वाला हूँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में. यानी कि पूरा सीपीसी कवर करेंगे, मगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और आसानी से कवर हो जाएगा. और विश्वास कीजिए, जहां आप लोगों को परेशानी होती है कि सीपीसी में आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती, ये परेशानी भी आप लोगों को नहीं रहेगी और सीपीसी आप लोगों को आज ही की क्लास में याद हो जाएगा. ये कैसे होने वाला है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट करता हूँ. मगर उससे पहले आप लोगों 20% तक का ऑफ चला है और 12 महीने का एक्सटेंशन है. ये ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी क्लास में यूट्यूब में ये इशू ना फेस करूं? रिवाज है ये तो विक्रांत. अरे सारी बातें यूट्यूब पर नहीं कहनी होती है. चलो अब आगे बढ़े. हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था अभी. ठीक है, अभी वही सारी है आप लोगों को मेरी. हाँ जी, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि 20% का ऑफ चल रहा है. 28 मार्च आज लास्ट डे है. फैजान 92 कोड के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. भाई कॉम्प्रिहेंसिव एक बैच भी आ रहा है, इसे 29th को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप इस बैच के लिए भी. सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं और आप यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी के. चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सीबीसी फ्लो चार्ट की क्लास. भाई आप लोगों को बता दूं कि ये फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को स्लाइड्स में पेन से लिखकर ही बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक स्टोरी भी रहे और आप लोग आसानी से चीज़ों को याद कर जाओ. इसके रेफरेंस में आज की क्लास में आप लोगों को लेकर आगे चलता हूँ. भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में क्या बताना चाहूँगा. देखो, सीपीसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीपीसी में यहाँ दो लोग होते हैं, जिसे मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये पार्टी 1 है और ये पार्टी 2 है. पार्टी 1 है और पार्टी 2 है, और इन दोनों पार्टी के बीच में एक डिस्प्यूट है. जब दोनों पार्टीज के बीच में एक डिस्प्यूट होता है, तो इसमें से कोई भी पार्टी यहां अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना चाहती है थ्रू कोर्ट. अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना चाहती है कि उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए थ्रू कोर्ट. तो इस समय वो यहाँ किसका सहारा ले सकती है, तो ये पार्टी जो है इस केस में सीपीसी का सहारा ले सकती है, सीपीसी का सहारा ले सकती है. मगर इसे सीपीसी का सहारा, इसे सीपीसी का रेफरेंस तभी मिलेगा जब इसका डिस्प्यूट कैसा हो. तो इसका डिस्प्यूट जब सिविल नेचर का हो,
जब इसका डिस्प्यूट सिविल नेचर का हो तभी इसे सीपीसी का सहारा मिलेगा। पहली बात ये याद रखना, मैं नहीं कह रहा सिविल डिस्प्यूट हो, मैं कह रहा हूं सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो। दोनों बातों में क्या फर्क है बात करेंगे। तो सीपीसी आप लोगों से क्या बात करता है, सीपीसी आप लोगों को इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में जो भी प्रोसेस लगता है, इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने में थ्रू कोर्ट जो भी प्रोसेस लगता है उसके बारे में आप लोगों को सीपीसी बताता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सीपीसी में इसे डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करवाया जाए इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट के फॉर्म में। भाई भाभी का कह रही है सर आई हैव नेवर स्टडीड सीपीसी बिफोर दिस क्लास फॉर हैविंग आइडिया हैव बेसिक नॉलेज। भाई बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले कभी कुछ ना देखा हो तो इतना सीख जाओगे जितना कि 2 साल पुराना वकील जानता है, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से कह रहा था अगर दो पार्टी है, दो पार्टीज के बीच में से किसी के बीच में डिस्प्यूट है और वो अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करवाना चाहते हैं थ्रू कोर्ट, तो वो सीपीसी का सहारा ले सकते हैं। सीपीसी आप लोगों को डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में बात करता है। मगर सीपीसी का सहारा कब मिलेगा, सीपीसी का सहारा मिलेगा आप लोगों को जब डिस्प्यूट सिविल नेचर का हो तब। डिस्प्यूट सिविल नेचर का हो तब, तो ये प्रोसीजर कैसे काम करता है सीपीसी में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम लोग सेक्शंस भी कवर कर लेंगे, हम इस प्रोसीजर के अंदर सेक्शंस भी कवर कर लेंगे और इस प्रोसीजर के अंदर हम ऑर्डर्स भी कवर कर लेंगे। तो ऑर्डर्स भी कवर होंगे, सेक्शंस भी कवर होंगे और ऑर्डर्स के अंदर के जो रूल्स हैं वो भी कवर होंगे, इस बात को भी मैं विश्वास दिला सकता हूं। चलिए अब आइए इसके रेफरेंस में बात करते हैं। भाई शीतल कह रही है सर सीबीसी पढ़ा है बट क्लियर, क्या लिखा भाई, लास्ट वाला मैसेज नहीं दिख रहा है, कुछ वहां बार है, चलो बट सब मिक्सअप है। भाई डोंट वरी, आप मैं बोलूंगा बेफिक्र होके बिल्कुल ठंडे मन के साथ, शांत मन के साथ दिमाग को थोड़ी देर सुकून में रखिए। 15 मिनट के बाद आप लोगों को इस क्लास में वो चीजें मिलेंगी जो आपने आज तक सीपीसी के बारे में नहीं जानी होगी। चलिए आइए अब इस प्रोसीजर को पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई सीपीसी का प्रोसीजर कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सीपीसी के प्रोसीजर में क्या होता है ये बताता हूं। भाई सीपीसी के प्रोसीजर में यहां सबसे पहले एग्रीव्ड पार्टी होती है। एग्रीव्ड पार्टी मतलब वो जिसका राइट जो है दूसरी पार्टी ने वायलेट किया है, और ये पार्टी यहां क्या कर रही है, यहां ये पार्टी कोर्ट में आना चाहती है, ये पार्टी यहां कोर्ट में आना चाहती है। तो ये कोर्ट में कहां जाएगी, तो कोर्ट में ऐसा नहीं है कि जज के पास जाती है, कोर्ट में जो है ना ये पार्टी जज के पास नहीं जाती, बल्कि कोर्ट में एक फैसिलिएशन सेंटर होता है। कोर्ट में एक फैसिलिएशन सेंटर होता है, सबसे पहले इस पार्टी को वहां जाना होता है। मगर ये पार्टी वहां कैसे जाएगी, तो यहाँ ये जो पार्टी है इस जगह एक डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर जाएगी, इस जगह एक डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर जाएगी। ये डॉक्यूमेंट किस नाम से बुलाया जाता है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ कहते हैं या तो प्लेंट, या फिर हम इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पिटीशन, या फिर हम इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन। इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन। भाई एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में डिस्प्यूट लेकर यहां जा रही है, तो इस केस में हम इसे क्या कहते हैं, या तो हम इसे कहते हैं यहां प्लेंट, या फिर हम कहते हैं पिटीशन, या फिर हम इसे कहते हैं एप्लीकेशन। और जब ये यहां कोर्ट में इस प्लेंट पिटीशन और एप्लीकेशन को लेकर जा रहे हैं, तो इस प्लेंट पिटीशन और एप्लीकेशन में लिखते क्या हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। भाई सबसे पहले हम लोगों को सीपीसी में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 नहीं पढ़ने, हम लोगों को सीपीसी में सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है कि ये प्लेंट पिटीशन और एप्लीकेशन बनाया कैसे जाता है। सर इसके रेफरेंस में क्या क्या कवर होगा, तो इसके रेफरेंस में ऑर्डर 7, ऑर्डर 6, ऑर्डर 4, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ कवर करा दूंगा, ठीक है।
आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, विद फुल अमेंडमेंट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बस एक मिनट का समय लेते हैं ताकि शोर ना रहे जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, शादी नहीं है। हर थर्सडे यहाँ से जो है वो गुरुद्वारे में चादर जाती है, तो उसके लिए वो चीज़ें निकल रही हैं। हाँ जी भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ एग्रीव्ड पार्टी यहाँ कोर्ट में प्लेंट लेकर जाती है, प्लेंट पिटीशन या एप्लीकेशन, इसमें से किसी भी चीज़ को लेके जा सकते हैं। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर ये किस फॉर्मेट में बनता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे बनाने का तरीका क्या होता है। तो इसके रेफरेंस में आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होने चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले इसके रेफरेंस में डूज पता होने चाहिए और इसके रेफरेंस में आप लोगों को डोंट्स पता होने चाहिए। यानी कि इसे बनाने का फॉर्मेट क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके पहले, सबसे पहले इस प्लेट में क्या लिखते हैं, इस प्लेट में सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखते हो। इस प्लेट में आप सबसे पहले यहाँ कोर्ट का नाम रखते हो। उसके बाद यहाँ आप इसके रेफरेंस में एक सिविल सूट नंबर लिखते हो, सिविल सूट नंबर ऑफ 2024। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखते हो, उसके बाद यहाँ आप प्लेंटिफ यानी कि पार्टी वन, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखते हो। आप प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखते हो, उसके बाद आप इसमें क्या लिखते हो, उसके बाद यहाँ प्लेंटिफ की फुल डिटेल्स आती हैं, प्लेंटिफ की फुल डिटेल्स आती हैं, साथ में यहाँ डिफेंडेंट की भी फुल डिटेल आती है। उसके बाद आप प्लेंट में देखोगे तो प्लेंट में आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली शो विद, मोस्ट रेस्पेक्टफुली शो विद लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ आप अपनी सारी समस्याओं को बताते हो जिसे हम कॉज ऑफ एक्शन का नाम देते हैं, इसे हम कॉज ऑफ एक्शन का नाम देते हैं। जब आप अपनी पूरी शिकायतें कह देते हो तो उसके बाद आप इसमें बताते हो कि कोर्ट के पास इस चीज को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट के पास इस चीज को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन है, ये आप बताते हो। उसके बाद इसके रेफरेंस में आप ये बताते हो कि यहाँ आपको उस ज्यूरिसडिक्शन होने के नाते आपको उससे क्या रिलीफ चाहिए, और उसके बाद आप इसके रेफरेंस में ये भी बताते हो कि आपने कोर्ट फीस पे कर दी है, आपने कोर्ट फीस पे कर दी है, ये भी बताते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्लेंट का फॉर्मेट जो है वो नजर आएगा। ठीक है, जो प्लेंट का फॉर्मेट है वो आप लोगों को इस तरीके से नजर आएगा, जहां सबसे पहले आप नेम ऑफ कोर्ट लिख रहे हो, पार्टीज का नाम लिख रहे हो, उसके बाद यहां आप क्या लिख रहे हो, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, रिलीफ और कोर्ट की फीस के बारे में लिख रहे हो। ये सारी चीजें आप लोग डूज के फॉर्म में इस प्लेंट को बनाते समय लिखोगे। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है भाई। ये उसी तरीके से है जैसे कि बचपन में आप अपने क्लासरूम के लिए चेंज करवाने के लिए किसी बच्चे से आपको प्रॉब्लम होती थी तो आप बताते थे ना, सबसे पहले टू दी प्रिंसिपल लिखते थे, फिर उसके बाद आप उसमें सब्जेक्ट लिखते थे, फिर उसके बाद आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताते थे कि भाई मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी परेशानियाँ बताते थे, फिर आप बताते थे कि आप प्रिंसिपल के पास क्यों आ रहे हो, क्लास टीचर के पास क्यों नहीं गए। साथ में जैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो उस केस में भी आप बताते हो कि भाई मेरा जो आईडी नंबर है वो ये है और मुझे बिल ज़्यादा रिसीव हो रहा है, मैंने पिछले बिल सारे पे कर दिए। तो इसी तरीके से अगर आप देखो कि कोर्ट के सामने भी अगर आप शिकायत करने जा रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बतानी है, तो आप लोगों को सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट बताना है, फिर प्लेंटिफ का नाम, डिफेंडेंट का नाम, कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, रिलीफ और कोर्ट फीस।
सर ये सारी बातें आप ऐसे ही बता रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं है, ये सारी बातें आप लोगों को लिखी हुई भी नजर आएंगी जो ऑर्डर 7 रूल 1 के फॉर्म में लिखी हुई नजर आती है। ऑर्डर 7 रूल 1 ये आप लोगों को बताता है कि प्लेंट में आप लोगों को क्या क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस प्लेंट में क्या क्या नहीं करना है इसके बारे में आप लोगों को ऑर्डर 7 रूल 11 बताता है। सर ऑर्डर 7 रूल 11 कैसे बता रहा है कि क्या क्या नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिया तो उसके बाद आपका सूट, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका केस जो है वो कोर्ट एंटरटेन करेगा ही नहीं। तो ना सिर्फ ये याद रखना है कि क्या क्या करना है, बल्कि ये भी याद रखना है कि क्या क्या नहीं करना। भाई जैसे कि जब एग्जामिनेशन देने जाते हो तो ना सिर्फ पेपर पता होना चाहिए, बल्कि एग्जाम में बैठने का कंडक्ट भी पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है। तो इसी तरीके से ऑर्डर 7 रूल 1 ना पता होना चाहिए, बल्कि साथ में आप लोगों को ऑर्डर 7 रूल 11 भी पता होना चाहिए। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहता है? भाई ये कहता है क्या क्या करने से बचना है। तो ये कहते हैं सबसे पहले यहां अगर आपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन लिखना रह गया, अगर आपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन लिखने से रह गया तो उस केस में यहां आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने अगर अपने सूट को अंडर वैल्यू कर दिया तो उस केस में भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं अगर आपने इसे इनसफिशियंटली स्टैम्प कर दिया तो भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। इनसफिशियंटली स्टैम्प, भाई स्टैम्प लगाई जाती है इस पर, और इस केस में अगर आपने इनसफिशियंटली स्टैम्प कर दिया तो भी आपका सूट यहां यानी कि प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपका प्लेंट बार्ड बाई लॉ है, आपका क्लेम बार्ड बाई लॉ है, तो उस केस में भी यहां भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। आपने इसे डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया तो भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ अगर आपने यहाँ इसके रेफरेंस में प्रोसेस फीस नहीं पे करी तब भी आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को ऑर्डर 7 रूल 11 बताता है। तो ऑर्डर 7 रूल 1 आप लोगों को बताता है क्या क्या करना है, और ऑर्डर 7 रूल 11 आप लोगों को बताता है क्या क्या नहीं करना है। तो यहां आप लोगों को प्लेंट के बनाने का फॉर्मेट मिल गया कि भाई सबसे पहले कोर्ट का नाम आना चाहिए, पार्टीज का नाम आना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, रिलीफ और कोर्ट की फीस, और क्या क्या नहीं करना है इसके रेफरेंस में ऑर्डर 7 रूल 11 बता दिया। भाई मैं आप लोगों से बोलूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को याद करने में इसमें परेशानी आती है, तो इसे याद करने की मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता देता हूँ। भाई ट्रिक क्या है इसके रेफरेंस में? तो ट्रिक है, सपोज करो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अंडर वैल्यू है, जो कि अंडर वैल्यू है, अगर उस पर अपनी स्टैंप लगा दे, अगर उस पर वो चार्टेड अकाउंटेंट अपनी स्टैंप लगा दे, तो वो डॉक्यूमेंट भले ही बार्ड बाई लॉ क्यों ना हो, वो डॉक्यूमेंट भले ही बार्ड बाई लॉ क्यों ना हो, उसे डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा, उसे डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा। मगर इस काम के लिए वो एक मोटी फीस लेता है। तो अगर आप देखोगे तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। भाई एक चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर वो किसी अंडर वैल्यू स्टैम्प, अगर अंडर वैल्यू पेपर पे भी स्टैम्प लगा दे तो उस केस में यहाँ वो बार्ड बाई लॉ नहीं रह जाता, डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा, मगर उसके लिए वो एक मोटी फीस लेगा। भाई मैंने बताया कि क्या क्या काम नहीं करना है। कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अंडर वैल्यू है तो रिजेक्ट हो जाएगा, इनसफिशियंटली स्टैम्प है तो रिजेक्ट हो जाएगा, बार्ड बाई लॉ है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपने प्रोसेस फीस नहीं पे करी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं आप लोगों से इस बात को बोलूं तो हम लोगों ने अभी तक ये जान लिया कि ये जो एग्रीव्ड पार्टी है, ये जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में क्या लेके जाती है? कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में, वो कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में। भाई फैसिलिएशन सेंटर क्या होता है? जहां ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, इस जगह वो क्या लेके जा सकती है? वो इस जगह यहाँ प्लेंट लेकर जाएगी, या तो पिटीशन लेकर जाएगी, या तो पिटीशन लेकर जाएगी, या फिर एप्लीकेशन लेकर जाएगी।
और इसे बनाने के लिए वो क्या फॉलो करेगी, तो इसे बनाने के लिए वो ऑर्डर सेवन रूल वन फॉलो करेगी और साथ में ऑर्डर सेवन रूल इलेवन फॉलो करेगी। मगर जैसे ही हम ऑर्डर सेवन रूल इलेवन पढ़ लेते हैं, हमें इसके रेफरेंस में एक बात समझ आ जाती है, वो ये है कि हमें इसके साथ साथ क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो ये यहाँ प्लेंट, पिटीशन और एप्लीकेशन बनाने का डूज और डोंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो ना सिर्फ हमें ऑर्डर सेवन रूल वन पढ़ने की जरूरत है, ऑर्डर सेवन रूल इलेवन पढ़ने की जरूरत है, बल्कि हमें इसके रेफरेंस में ये प्लेंट कैसे पूरा कंप्लीट होता है ये भी जानने की जरूरत है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ सेक्शन 26 भी जानने की जरूरत है, यानी कि इस प्लेंट के साथ आप यहाँ एक एफिडेविट लगाओगे, एक एफिडेविट लगाओगे और इसे यहाँ साथ में, अभी हम लोगों ने ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में पढ़ा कि आप इसके साथ क्या करोगे, इसके साथ यहाँ आप डुप्लीकेट एक कॉपी भी लगाओगे, डुप्लीकेट एक कॉपी भी लगाओगे, साथ में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपने इसके अंदर अपनी शिकायतें लिखी हैं, इसके रेफरेंस में जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सब लगाओगे। ये बात आप लोगों से कहाँ लिखी हुई नजर आती है? तो देखो मैं आप लोगों से बोलूंगा, ऑल दो रूल्स भाग रहे हैं, मगर आप एक बार अपने प्रोसेस पे फोकस करोगे, आप लोगों को सारी बातें यहाँ समझ आती चली जाएंगी। मैंने बताया भाई, एग्रीव्ड पर्सन यहाँ प्लेंट, पिटीशन, एप्लीकेशन लेके आ सकता है और इसके साथ इसमें एफिडेविट भी लेकर आएगा। इस प्लेंट, पिटीशन और एप्लीकेशन को बनाने का तरीका क्या है? ऑर्डर सेवन रूल वन में डूज और ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में डोंट्स बता रखे हैं। उसके बाद इसके रेफरेंस में ये कहते हैं, इसे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखोगे और डुप्लीकेट कॉपी भी आप इसके साथ लगाओगे। ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में हम लोगों ने अभी कंप्लाइंस पढ़ा ना, डुप्लीकेट कॉपी, ये बात आप लोगों से सेक्शन 26 कहता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाने की जरूरत है, इसके बारे में ऑर्डर सेवन रूल 14 आप लोगों से कहता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, प्लेंट की दो कॉपी जाएंगी, डुप्लीकेट का मतलब है प्लेंट की दो कॉपी जाएंगी, प्लेंट एफिडेविट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसी तरीके से प्लेंट एफिडेविट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो कॉपी जाएंगी। बनाने का तरीका ऑर्डर सेवन रूल वन में और ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में लिखा हुआ है। ये है यहाँ फॉर्मेट का तरीका, यानी कि इसे बनाया कैसे जाएगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि सर इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसके रेफरेंस में कंटेंट क्या होगा, ये बात भी हमें जानने की जरूरत है। इसका कंटेंट क्या हो सकता है, इस कंटेंट को अगर हम लिख रहे हैं तो इसका कंटेंट कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। भाई हर्षित कह रहे हैं, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं करते सर डिसमिस ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में, आई एम ट्राइंग टू गेट माई एप्लीकेशन अलाउड, ऑर्डर ऑन ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन डिले ऑफ 36 ईयर्स इन फाइलिंग। भाई हर्षित देखो, फिर से मैं कहूंगा, ऑर्डर सेवन रूल इलेवन की एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता कि उसमें डिसमिसल नहीं होता, मगर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर टू रूल टू, ऑर्डर सेवन रूल इलेवन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप कह रहे हो बार्ड बाई लॉ, तो बार्ड बाई लॉ लिमिटेशन लॉ से बार्ड है, तो ऑर्डर सेवन रूल इलेवन क्लेम करने की जरूरत है या फिर ऑर्डर टू रूल टू क्लेम करने की जरूरत है? सर ऑर्डर टू रूल टू इस पर अप्लाई होगा, बाद में बताऊंगा कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, मगर इसके रेफरेंस में अभी पॉइंट जो है वो ये नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे और चीज़ों के बारे में, बट अभी आप लोगों को यहाँ प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऑर्डर सेवन रूल इलेवन की एप्लीकेशन कब लेकर आई जाती है, कैसे करते हैं, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हाँ जी चलिए भाई, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कंटेंट के बारे में कि भाई कंटेंट कैसे लिखा जाता है, तो कंटेंट लिखने का तरीका क्या होता है इसके बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, यहाँ कंटेंट लिखने का तरीका आप लोगों को ऑर्डर सेवन में भी बताया जाता है और ऑर्डर सिक्स में भी बताया जाता है। कंटेंट लिखने का तरीका आप लोगों को ऑर्डर सेवन में भी बताया गया है और ऑर्डर सिक्स में भी बताया गया है। ऑर्डर सेवन में आप लोगों को क्या बताया गया है? भाई ऑर्डर सेवन में आप लोगों को बताया गया है कि कोई पर्सन अगर इसमें मनी सूट क्लेम कर रहा है,
अगर कोई पर्सन को अमाउंट क्लेम करना है तो उस अमाउंट को उसे कैसे लिखने की जरूरत है। तो कहते हैं इसके रेफरेंस में कि आपको जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, जो प्रिसाइज अमाउंट है, वो लिखने की जरूरत है अगर आप मनी सूट लेकर आ रहे हो। यानी कि कंटेंट कैसे लिखना है, ये बात हमें कैसे पता चल रही है? ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 पढ़ के चल रही है, मगर ऑर्डर 7 का रूल 2 आप लोगों से बात करता है कि कंटेंट कैसे लिखना है मनी सूट के रेफरेंस में। मनी सूट के रेफरेंस में कंटेंट कैसे लिखना है भाई? ये कह रही है शालू, कह रही है बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, आराम से शांत बैठो, पूरा समझ आएगा, और आज से पहले इतने अच्छे से रूल्स कभी नहीं याद हुए होंगे, गारंटी लूंगा मैं आप लोगों से। हाँ जी, मनी सूट जो है वो कैसे लिखना है जब प्रिसाइज अमाउंट लिखने की जरूरत है। रूल 3 आप लोगों से कहता है कि कोई पर्सन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लेम फाइल कर रहा है तो उसके बारे में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल लिखेगा। तो यानी कि फिर से ये बात कंटेंट से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है, ये आप लोगों को बताया। उसके बाद यहां कोई पर्सन इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट क्लेम कर रहा है, भाई कोई पर्सन जो है एज रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को प्रेजेंट करने आया है, तो उस केस में उस बात को वो कैसे लिखेगा, ये बात आप लोगों से ऑर्डर 7 रूल 5 आप लोगों को बताता है। उसके बाद यहां इस केस में वो बताना चाहता है कि डिफेंडेंट की कोई स्पेशल लाइबिलिटी है, ठीक है, डिफेंडेंट का कोई इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है, उसके बारे में भी वो अलग से बताएगा। रूल 6 आप लोगों से इसके रेफरेंस में कहता है कि अगर आप लिमिटेशन लॉ का ग्राउंड क्लेम करना चाहते हो, लिमिटेशन का ग्राउंड क्लेम करना चाहते हो, तो लिखने का तरीका क्या होगा, ऑर्डर 7 बताता है। और जो भी आप रिलीफ लिखोगे, उस रिलीफ को कैसे लिखोगे, इसके बारे में भी आप लोगों को ऑर्डर 7 ही बताता हुआ नजर आता है। बोलिए भाई, बात समझ आ रही है? भाई मनी सूट कैसे लिखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेटिव का सूट कैसे लिखना है, डिपेंडेंट का इंटरेस्ट कैसे लिखना है, लिमिटेशन का ग्राउंड कैसे लिखना है, रिलीफ कैसे लिखनी है, ये बात आप लोगों को ऑर्डर 7 बताता हुआ नजर आ रहा है, ऑर्डर 7। उसके बाद इसके रेफरेंस में बात करते हैं कि ऑर्डर 6 कंटेंट के बारे में आप लोगों को कैसे बताता है, कंटेंट के बारे में ऑर्डर 6 आप लोगों को कैसे बताता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा ऑर्डर 6 के कंटेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऑर्डर 6 के कंटेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कि अगर आप जो प्लेंट फाइल कर रहे हो उसमें जो कंटेंट लिख रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लिख रहे हो, या फिर आप किसी अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजों को क्लेम करना चाहते हो। भाई आपकी जो परेशानी है, समस्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ये डिपेंड करता है। अगर तो आपकी समस्या यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो आप लोगों से डील करेगा रूल 4। मतलब अगर आपकी समस्या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और आपके और पार्टी के बीच में कोई कंडीशन फिक्स हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले, इससे पहले कोई कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो इसके बारे में कंडीशन प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। उसके बाद अगर यहां, सॉरी ये रूल 6 है, रूल 6, हाँ जी, रूल 4 आप लोगों से कहता है इस पॉइंट पर, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक के थ्रू किया गया था, तो अगर आप उसके बारे में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। उसके बाद अगर आप लोग रूल 8 के बारे में कहते हैं कि अगर आप लीगेलिटी के बारे में लिखना चाहते हो, लीगेलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना चाहते हो, तो रूल 8 आप लोगों से इससे डील करता है। और अगर आप इसके रेफरेंस में क्या लिखना चाहते हो, भाई आप लिखना चाहते हो रूल 12 के अंदर, रूल 12 के अंदर आप इसके रेफरेंस में ये बताना चाहते हो कि भाई यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो न्यूमरस लेटर्स के थ्रू हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट्स में न्यूमरस लेटर एंगेज है, या फिर आपका लंबा चौड़ा नेगोशिएशन इसमें लिखा हुआ है, तो
तो आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल 4, रूल 6, रूल 8 और रूल 12 इसके अंदर लिखोगे, रूल 4, रूल 6, रूल 8 और रूल 12। अगर तो आपका जो प्लेंट है वो अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, अगर तो आपका प्लेंट अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो अदर डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में, ये आप लोगों से क्या कहते हैं, तो इसके रेफरेंस में कहते हैं, डिपेंड करता है कि आपका रूल, यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले यहाँ आप इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को बताओ, आप इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को बताओ, ये आप लोगों से रूल 9 कहता है। उसके बाद अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट नोटिस से रिलेटेड है तो आप लोग उस नोटिस के बारे में यहां बताओ, इसके बारे में आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा, भाई नोटिस के बारे में बताना है, ये आप लोगों को रूल 11 में लिखा हुआ नजर आएगा। बोलिए भाई, बात समझ आ रही है, कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है? बोलिए जी दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? आइए अब इसके बाद फिर से इस चार्ट को और छोटा करके इसके अंदर कंटेंट इकट्ठा करते हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी यहां कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जाएगी, कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जाएगी। जब कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में यहां पार्टी जाएगी तो क्या करेगी, यहां इस केस में या तो प्लेंट लेकर जाएगी या फिर पिटीशन लेकर जाएगी या फिर वो एप्लीकेशन लेकर जाएगी, प्लेंट, पिटीशन या फिर एप्लीकेशन लेकर जाएगी। इसके साथ में वो अपना एफिडेविट लिखेगी, उसके साथ में यहाँ वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाएगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाएगी, और इन सारी चीज़ों को डुप्लीकेट में करेगी, यानी कि एक एडिशनल कॉपी भी इसके रेफरेंस में बनाएगी। उसके बाद हमने बात करी कि इसे लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोगों ने बात करी कि फॉर्मेट को जानने का तरीका है ऑर्डर 7, रूल 1 के रूल्स और डूज बताते हैं आप लोगों को, ऑर्डर 7 रूल 1 और ऑर्डर 7 रूल 11 आप लोगों को यहाँ इसके रेफरेंस में डोंट्स बताते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि इस एप्लीकेशन में जो कंटेंट है वो कैसे लिखा जाएगा, तो कंटेंट कौन कौन सा लिखा जाएगा इसके रेफरेंस में आप लोगों को ऑर्डर 7 बताता हुआ नजर आया, और उसके बाद आप लोगों को ऑर्डर 6 बताता हुआ नजर आया कि कंटेंट लिखा कैसे जाएगा। बोलिए भाई, कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, ये बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ भाई समझ आ गई होगी। हाँ जी बोलिए, यहां तक समझ आया? अब उसके बाद इसके रेफरेंस में आगे की बात करते हैं कि इस कंटेंट को लिखने का तरीका क्या है, मतलब कंटेंट क्या होगा, ये ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में पढ़ा, वे ऑफ राइटिंग क्या होगा, वे ऑफ राइटिंग क्या होगा, इस कंटेंट को लिखने का तरीका क्या होगा। तो इसके रेफरेंस में यहां ये आप लोगों से कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रेफरेंस में मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, आपको इसके रेफरेंस में ये कहते हैं यहाँ क्या नहीं लिखना, आपको यहाँ कोई लॉ नहीं लिखना, आपको यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं बताना, आपको यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं बताना, भाई सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं और कोई लॉ नहीं बताना, कोई एविडेंस नहीं बत लिखना, और ये सारी चीजें आप लोगों को प्रिसाइज फॉर्म में करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रिसाइज फॉर्म में करने की जरूरत है, ये आप लोगों को बताया जाता है। भाई वे ऑफ राइटिंग क्या होगा, मटेरियल फैक्ट लिखने, लॉ नहीं लिखना, एविडेंस नहीं लिखना, और प्रिसाइज फॉर्म में इसे लिखने की जरूरत है, ये आप लोगों से इसका लिखने का तरीका बताया जा रहा है। उसके बाद इस सारी चीजों को करने के बाद इस प्लेंट और एप्लीकेशन के साथ एंड में एक वेरिफिकेशन लगता है, एक वेरिफिकेशन लगता है, प्लस साथ में इसके रेफरेंस में सिग्नेचर लगाए जाते हैं। ये बात आप लोगों को कौन से सेक्शंस में लिखी हुई नजर आती है, तो ये भी आप लोगों को बता देता हूं कि ये बात आप लोगों को यहां ऑर्डर 6,
रूल 15 में, ये बात आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 14 में, प्लस यहाँ जो वे ऑफ राइटिंग है ये आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 2 में लिखा हुआ नजर आएगा। ऑर्डर 6 रूल 2 में कि लिखने का तरीका क्या है इस कंटेंट को, इसके बारे में आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 2 बताता हुआ नजर आता है। बोलिए भाई, जो लोग इसे सुन रहे हैं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूं? भाई कंटेंट कैसे लिखा जाएगा? मैंने बताया कि एग्रीव्ड पार्टी है, प्लेन पिटीशन एप्लीकेशन लेकर कोर्ट में जाती है, मगर प्लेन पिटीशन एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, और यहाँ एक एडिशनल कॉपी भी इसकी जाएगी। लिखने का तरीका ऑर्डर 7 रूल 1 और ऑर्डर 7 रूल 11 बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। ऑर्डर 7 के जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े, यानी कि हम लोगों ने पढ़े रूल रूल कहाँ से लेकर, रूल 2 से लेकर रूल 7 तक की चीजें आप लोगों को बताती हैं कि कंटेंट क्या होगा। इसके रेफरेंस में हम लोगों ने इसे दो पार्ट में जाना, जहां हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी और अदर डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में हमने बात करी। कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में मैंने आप लोगों को यहाँ रूल 4, रूल 6, रूल 8 और रूल 12 बताया, और यहाँ अदर डॉक्यूमेंट्स के केस में मैंने आप लोगों को रूल 9 और रूल 11 बताया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इस कंटेंट को लिखने का तरीका क्या है, मेटीरियल फैक्ट लिखने, लॉ नहीं लिखना, एविडेंस नहीं लिखना, और हमेशा इसे प्रिसाइज फॉर्म में लिखने की जरूरत है, ये मैंने आप लोगों को ऑर्डर 6 में बताया। अब इसके बाद इसके रेफरेंस में आगे की बात करते हैं। तो ये कहते हैं ये तो बहुत आम सी और कॉमन सी बात है, तो मैं बोलूंगा इतनी भी आम और कॉमन नहीं है, क्योंकि आपको इसके रेफरेंस में एक एडिशनल बात याद रखने की जरूरत है कि इसे जब भी लिख रहे हो ना तो सोच समझ के लिखना, इसे सोच समझ के लिखना। क्यों? क्योंकि बाद में कोई भी चेंज अलाउ नहीं होगा, लेटर ऑन नो चेंज इज अलाउड, लेटर ऑन नो चेंज इज अलाउड। भाई बाद में हम इसे बदलने नहीं देंगे। सर ये बात कहाँ लिखी हुई मिलती है? ये आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 7 में लिखी हुई मिलती है कि कोई भी डिपार्चर अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि आप अपनी बात को बाद में पलटना चाहते हो लिखने के बाद, तो डिपार्चर अलाउड नहीं किया जाएगा, कोई चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा। इसलिए यहां इसे सोच समझ के ध्यान से लिखने की जरूरत है, इसे ध्यान से लिखने की जरूरत है। तो कहते हैं सर अगर गलती हो गई तो, गलती तो हो सकती है ना, तो कहते हैं इस केस में यहां सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है जो इसे चेंज किया जा सकता है, ओनली वे, ओनली वे ये है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ये है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कि भाई आप प्लीडिंग के थ्रू इसे अमेंड कर सकते हो। प्लीडिंग के थ्रू आप इसे अमेंड कर सकते हो। तो सर हो गया ना तरीका, तो हो गया ना तरीका, मैं बोलूंगा नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस चीज पर लिमिटेशन है, इस चीज पर लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है सब्सटेंटिव, एक लिमिटेशन है सब्सटेंटिव और एक लिमिटेशन है प्रोसीजरल। एक लिमिटेशन है सब्सटेंटिव, एक लिमिटेशन है प्रोसीजरल। इसका क्या मतलब है? सब्सटेंटिव लिमिटेशन का मतलब यह है कि आप यहां इनकंसिस्टेंट बात नहीं कह सकते, इनकंसिस्टेंट यानी कि पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहा, नहीं अलाउड नहीं है। प्रोसीजरल है कि आप ट्रायल के बाद नहीं कर सकते, अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया तो उसके बाद नहीं कर सकते, मगर ट्रायल के बाद कर सकते हो कुछ सी एक्सेप्शनल सिचुएशन में, वो क्या होती है बात करेंगे। ये बात आप लोगों को कहाँ लिखी हुई नजर आती है? तो ये बात आप लोगों को यहाँ ऑर्डर 6 रूल 17 में लिखी हुई नजर आएगी। ऑर्डर 6 रूल 17 में आप लोगों को ये बात लिखी हुई नजर आएगी। बोलिए भाई क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? क्लियर हो रहा है फॉर्मेट? भाई दोस्तों जल्दी से बताओ क्या समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बातें? भाई अगर समझ आ रही है तो एक बार थम्स अप भी दे दो। हाँ जी एक बार थम्स अप भी दे दो।
आइए अब इसके रेफरेंस में वापस से आगे की बात करते हैं। भाई मैंने आप लोगों को चार्ट ये फिर से छोटा करना है। हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने बात करी कि यहाँ एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी यहाँ क्या कर रही है? यहाँ एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में, कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जाकर यहां अपना प्लेंट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रही है। प्लेंट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रही है। इसके साथ इसके रेफरेंस में ये एक एफिडेविट लगा रही है, इसके साथ इसके रेफरेंस में ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इसके रेफरेंस में ये एक एडिशनल कॉपी भी लगा रहे हैं, एक एडिशनल कॉपी। उसके बाद इसे लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट हम लोगों ने बात करी इसके रेफरेंस में कि डूज और डोंट्स। डूज आप लोगों को ऑर्डर 7 रूल 1 में मिल गए, डोंट्स आप लोगों को ऑर्डर 7 रूल 11 में मिल गए, ऑर्डर 7 रूल 11 में मिल गए। ठीक है, उसके बाद यहां मैंने आप लोगों को बताया कि इससे रिलेटेड ये जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसे लिखा जाएगा। तो कंटेंट के रेफरेंस में मैंने आप लोगों को ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के रूल्स पढ़ाए। कौन कौन से रूल्स पढ़े ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 में? तो ऑर्डर 7 में रूल 2 से लेकर रूल 8 तक के बारे में बात करी। ऑर्डर 6 को 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, पहले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और एक अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल 4 रूल 6 रूल 8 और रूल 12 के बारे में बात करी। अदर डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में हम लोगों ने रूल 9 और रूल 11 के बारे में बात करी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि इस कंटेंट के बाद आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। इस कंटेंट के बाद आप लोगों को इसके रेफरेंस में यहाँ वेरिफिकेशन प्लस सिग्नेचर लगाने की भी ज़रूरत है, वेरिफिकेशन प्लस सिग्नेचर लगाने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी बात करी। कंटेंट को लिखने का तरीका क्या होगा, वे ऑफ राइटिंग क्या होगा, इसके रेफरेंस में हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर 6 रूल 2 पढ़ा, ऑर्डर 6 रूल 2 पढ़ा, और इसमें कोई चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा, नो चेंज। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 7 पढ़ाया। उसके बाद ओनली वन कंडीशन में चेंज अलाउड है, ओनली इन वन कंडीशन चेंज इज अलाउड, सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज अलाउड है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर 6 रूल 17 के बारे में पढ़ा। ऑर्डर 6 रूल 17 में भी मैंने आप लोगों को प्रोसीजरल और जो लिमिटेशन है सब्सटेंटिव वो बताई। उसके बाद टाइम पीरियड भी मेंशन है। भाई मैंने लिमिटेशन बताई ना, एक तो है प्रोसीजरल, दूसरी है सब्सटेंटिव और तीसरी है यहाँ टाइम की, यानी कि टाइम कितना है, टाइम है 14 डेज का चेंज करने का। ये बात आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 18 में लिखी हुई नजर आती है, ऑर्डर 6 रूल 18 में लिखी हुई नजर आती है कि 14 डेज का टाइम लिमिटेशन है। भाई शीतल पूछ रही है सर आप रेगुलर क्लास लेंगे? बेटा शीतल पहले तो ये बताओ कि जो पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। बाकी शीतल आप मेरे साथ अगर अनअकैडमी की क्लासेस में ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन कि मैं यूट्यूब पर आप लोगों को कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़ाता रहूँ। तो आप अनअकैडमी पर आ जाइए, स्पेशल क्लासेस लीजिए, वहाँ आपको बेनिफिट होगा। अनपेड क्लासेस है, कोई पैसा नहीं देना। बोलिए भाई, देखो सीपीसी हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले भी सुना हो, मगर मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि ऐसे आप लोगों ने प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ा होगा। बोलिए भाई दोस्तों, यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया एक बार इसे भी आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं एक दूसरे पेन का कलर लेकर।
मैंने आप लोगों को यहाँ सेक्शन 26 पढ़ा दिया। सेक्शन 26 में प्लेंट और एफिडेविट के बारे में बात कर ली। ऑर्डर 7 रूल 14 पढ़ा दिया। ऑर्डर 7 रूल 14 जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 11, ये प्लेंट ऐसे बनाना है जहां ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को कंप्लाइंस हो रहा हो। ये बात आप लोगों से ऑर्डर 4 रूल 1 करता है। ऑर्डर 4 रूल 1 आप लोगों को बताता है कि प्लेंट इस तरीके से बनाने की आप लोगों को जरूरत है। ये ऑर्डर 4 रूल 1 बताता है। ऑर्डर 6 मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। ऑर्डर 7 मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। ऑर्डर 6 का रूल 2 भी हम लोगों ने पढ़ लिया, रूल 7 भी पढ़ लिया, रूल 17 भी पढ़ लिया और यहाँ रूल 18 भी पढ़ लिया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? तो सेक्शन 26 पढ़ चुके, सेक्शन 26 पढ़ चुके, इसके साथ साथ ऑर्डर 6 पढ़ चुके, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 पढ़ चुके और ऑर्डर 4 भी हम लोग पढ़ चुके, ऑर्डर 4 भी हम लोग पढ़ चुके। बोलिए भाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई? मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में आगे लेके चलूं। हाँ जी, बोलिए, आगे लेके चलूं इसे। चलिए, अब फिर से हम अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स को ऐड करते हैं। भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताया? एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी यहाँ कोर्ट में जा रही है प्लेंट में लेकर, कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जा रही है, फैसिलिएशन सेंटर में जा रही है यहाँ क्या लेकर? या तो प्लेंट लेकर, पिटीशन लेकर या फिर एप्लीकेशन लेकर, और इसके साथ साथ ये एफिडेविट लेके जा रही है प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही है। और यहाँ इसके रेफरेंस में इसने ऑर्डर 7 का रूल 1, ऑर्डर 7 का रूल 11 ये कंप्लाई कर लिया। और इसने यहाँ कंटेंट लिखते समय ऑर्डर 7 का, ऑर्डर 6 के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स और अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रूल्स भी लिख लिए। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल, रूल 4, रूल 6, रूल 8 और रूल 12 लिख लिए। अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इसने यहाँ ऑर्डर 9, ऑर्डर 6, रूल 9 और 11 लिख लिए। उसके बाद ऑर्डर 7 के भी इसने रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, रूल 2 से लेकर 8 तक के रूल्स हो गए। उसके बाद लिखने का तरीका ऑर्डर 6 रूल 2 में पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑर्डर 6 रूल 2 में, और इसमें चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑर्डर 6 रूल 17 में और इससे ऊपर लिमिटेशन जो है ऑर्डर 6 रूल 18 में मैंने आप लोगों को बता दी। बोलिए भाई, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ ली, यानी कि पीछे का चार्ट वापस से कंपाइल कर दिया। सर, प्लेंट पिटीशन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा, डिफरेंस होता है बिल्कुल, क्योंकि सेक्शन 26 आप लोगों से बात करता है कि कोई पर्सन अपना प्लेंट, अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है प्लेंट फाइल करके या फिर अदर मैनर में। उस अदर मैनर का मतलब ही पिटीशन और एप्लीकेशन है। पर क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को जब डिटेल क्लासेस में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भाई सूट में, प्लेंट में, पिटीशन में और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मगर ये कह सकता हूं बिल्कुल डिफरेंस होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, चलिए अब इसके रेफरेंस में हम अपने कंटेंट को आगे लेकर चलते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में ये चला गया। कोर्ट का फैसिलिएशन सेंटर यहाँ क्या काम करता है? कोर्ट का फैसिलिएशन सेंटर यहाँ या तो ऑब्जेक्शन रेज करता है, यानी कि आपने कोई भी गलती करी है तो आपके ऊपर यहाँ ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाता है। इस ऑब्जेक्शन को आपको क्लियर करना होता है, ऑब्जेक्शन को यहाँ क्लियर करना होता है, ये आपकी ड्यूटी होती है। या फिर यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। भाई, आपने सारी चीज़ें सही फाइल कर दी, बहुत साल हो गए आपको वकालत करते हुए, तो कोई भी ऑब्जेक्शन इस केस में नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता। जब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता तो इस केस में ये कोर्ट का ऑफिस, ये जो इसे प्लेंट, प्लेंट इसे रिसीव हुआ है, प्लेंट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन इसे रिसीव हुआ है, इसको यहाँ ये फॉरवर्ड करके किसके सामने भेज देगा? ये फॉरवर्ड करके इसे जज के सामने भेज देगा। कौन से जज के सामने? सिविल जज के सामने इसे भेज दिया जाएगा।
सिविल जज के सामने इसे यहां भेज दिया जाएगा। अब बात यह है कि सर कौन से सिविल जज के सामने इसे भेजा जाएगा, कौन से सिविल जज के सामने इसे भेजा जाएगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बोलो जी, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से सिविल जज के सामने इसे भेजा जाए। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, ये चीज भी ऑटोमेटिकली आपका प्लेंट ही बता देता है, ये चीज भी आपका प्लेंट ही बता देता है। सर कैसे बताता है मेरा प्लेंट? क्योंकि जब आप प्लेंट लिखते हो तो ऑर्डर 7 रूल 11 में, ऑर्डर 7 रूल 1 में आप लोग यहां ये लिखते हो कि कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है। आप ये लिखते हो कि कोर्ट के पास यहां ज्यूरिस्डिक्शन है, तो यानी कि कौन से सिविल जज के पास ये जाएगा, इसके रेफरेंस में ऑलरेडी आप यहां उस कोर्ट को पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन और कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन बता के भेजते हो, पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन बताते हो। यानी कि यहां डिपेंड करता है कि क्या उस जज के पास उस केस को एंटरटेन करने की पावर है या नहीं है, ये आप बता के भेजते हो। तो यानी कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन कैसे कोर्ट पता लगाएगा, पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में कौन कौन से कोर्ट होते हैं, सीपीसी में कौन कौन से कोर्ट होते हैं, तो सीपीसी में जो कोर्ट होते हैं वो होते हैं या तो हाई कोर्ट, या फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर होता है यहाँ सीनियर सिविल जज का कोर्ट, सीनियर सिविल जज का कोर्ट, एक होता है सिविल जज का कोर्ट, सिविल जज का कोर्ट। तो ये कुछ कोर्ट होते हैं जिनको अलग-अलग लेवल पर ज्यूरिसडिक्शन बता रखा होता है कि कौन पर्सन कितने अमाउंट का केस एंटरटेन कर सकता है, कौन पर्सन कितने अमाउंट का केस एंटरटेन कर सकता है, ये अलग-अलग ऑलरेडी बता रखा होता है। भाई कौन-कौन से कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर सिविल जज और सिविल जज, ये कोर्ट हैं जो कि ऑलरेडी बता रखे हैं। हर स्टेट में अलग-अलग होता है कि कौन सा कोर्ट कितना केस एंटरटेन कर सकता है, ये यहाँ ज्यूरिसडिक्शन का बता देता है। ठीक है भाई, बोलिए भाई, बात समझ आ रही है? बोलिए जी दोस्तों, ये बात समझ आ रही है? सर ये बात आप कहाँ से बता रहे हो, ये कहाँ से बता रहे हो आप, इसका रेफरेंस कौन से सेक्शन से आप ले रहे हो ये भी बता दो। तो लो जी सेक्शन भी बता देता हूँ मैं, इसका रेफरेंस सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 15 से ले रहा हूँ। सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 15 से मैं आप लोगों के सामने इसका रेफरेंस ले रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इसका फाइल किया जा सकता है। बोलिए भाई, भाई यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? भाई दोस्तों आपके मैसेजेस नजर नहीं आ रहे यार, एक बार भाई एक बार जरा दोबारा से थम्स अप करना आप लोग। हाँ भाई अभी ठीक से नजर आ रहा हूँ मैं आप लोगों को। हाँ जी अब शायद मैसेजेस आ गए, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया कि भाई यहाँ सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 15 बताता है। उसके बाद टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी आप इसके बारे में बताते हुए चलते हो
ये बात आप लोगों को सेक्शन 16 से लेकर 20 के बीच में मिलती है। सेक्शन 16 से लेकर 20, यहां सेक्शन 16 से लेकर 18 आप लोगों से बात करता है अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। सेक्शन 19 आप लोगों से बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट या फिर किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाई है। भाई सारी चीजें तो लेजिस्लेचर भी नहीं सोच सकता था, तो लेजिस्लेचर ने इसके रेफरेंस में सेक्शन 20 लिख दिया कि अदर सूट के बारे में बताया जाता है, अदर सूट के बारे में बताया जाता है, ये सेक्शन 20 में लिख दिया। ठीक है भाई, अब वापस से अपनी तरफ आते हैं, इस चार्ट को और छोटा करते हैं, इस चार्ट को और छोटा करते हैं। आइए फिर से समझते हैं भाई, एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जा रही है, क्या बना रही है, यहां प्लेंट पिटीशन या एप्लीकेशन बना रही है, प्लेंट पिटीशन या एप्लीकेशन बना रही है। डूज और डोंट्स में क्या है, ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 11। अब इसके रेफरेंस में हमने बात करी कि यहां जो कंटेंट लिख रहे थे इस कंटेंट के अंदर एक चीज और ऐड कर ली हम लोगों ने, ये है ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, और एक हम लोगों ने ऐड कर लिया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और एक पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के रेफरेंस में मैंने आप लोगों को सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 15 बताया। सेक्शन 3 कोर्ट की हायरार्की बताता है, सेक्शन 6 ये कहता है कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से केस फाइल किया जाएगा, सेक्शन 15 कहता है लोएस्ट ग्रेड में फाइल किया जाएगा। उसके बाद इसके रेफरेंस में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम लोगों ने सेक्शन 16 से लेकर 18 यहां बात करी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके रेफरेंस में सेक्शन 16 आप लोगों को एक लिस्ट बताता है, सेक्शन 17 आप लोगों से कहता है कि अगर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जगह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उस केस में कहाँ केस फाइल किया जाए। सेक्शन 18 आप लोगों को बताता है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो उस केस में प्लेंट कैसे फाइल किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया भाई सेक्शन 19 आप लोगों से बात करता है किसके बारे में, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ हो। सेक्शन 19 ही आप लोगों से बात करता है किसी अगर पर्सन के साथ रॉन्ग कमिट किया गया हो, और सेक्शन 20 आप लोगों से बात करता है अदर सूट के रेफरेंस में, अदर सूट के रेफरेंस में यहां कहां सूट फाइल किया जाएगा। तो कहते हैं जहां डिफेंडेंट, ध्यान से सुनना, जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है या फिर वर्क फॉर गेन करता है, वर्क फॉर गेन करता है, तो उस जगह यहां सूट फाइल किया जाएगा। तो बोलिए भाई जज कैसे डिसाइड किया जाता है, बात समझ आ गई, बोलिए जी जज कैसे डिसाइड किया जाता है। बोलिए जी दोस्तों, तो अब हम इसके रेफरेंस में आगे की बात कर रहे हैं भाई, एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट में जाकर, कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जाकर यहां क्या कर रहा है, यहां प्लेंट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश कर रहा करता है, प्लेंट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और कोर्ट के फैसिलिएशन सेंटर में जा रहा है, फैसिलिएशन सेंटर में जा रहा है। अब ये जब फैसिलिएशन सेंटर में जा रहा है तो उसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उसके बाद केस जो है वो सिविल जज के सामने भेज दिया जाता है, केस जो है वो सिविल जज के सामने भेज दिया जाता है। तो बताइए भाई दोस्तों, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। मैं आप लोगों को फिर से एक चीज बता दूं भाई, इस बात को ना आप गांठ बांध के रख लो कि इस तरीके से सीपीसी ना आपने कहीं पढ़ा होगा ना कोई आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि मुझे कोर्ट में खुद बहुत लंबा समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअल प्रोसीडिंग कैसे चलती है।
अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि किताबों में कुछ और लिखा है और कोर्ट में कुछ और चलता है। मैं बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग ई कोर्ट की, दिल्ली की ई कोर्ट की वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे और वहां जाने के बाद किसी एक या दो केसेस को पकड़ कर ये देखेंगे कि क्या हम जो प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में चीजें वैसे ही काम करती हैं या नहीं, क्या एक्चुअल में चीजें वैसे ही काम करती हैं। भाई सपोज करो आपने कोई पर्टिकुलर केस खोला, केस खोलने के बाद आपने एक बीच का ऑर्डर निकाल लिया। अब आपने सीपीसी पढ़ा हुआ है तो आपने पहले तो उस ऑर्डर को निकालने के बाद एक चार्ट बनाया कि भाई पहले की प्रोसीडिंग ये होगी और बाद की प्रोसीडिंग ये हुई होगी, और उस ऑर्डर के बेसिस पे आपने प्रीवियस ऑर्डर्स को गो थ्रू किया। थोड़ा टाइम लगता है गो थ्रू करने में, मगर एक बार की लाइफ में एक्सरसाइज है। आपने उसे गो थ्रू करके आगे लेके चलते चले गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्रोसीडिंग समझी है क्या कोर्ट में भी वैसे ही प्रोसीडिंग काम करती है। इसी तरीके से उसके बाद वाली प्रोसीडिंग आपने कवर कर ली तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में जो कोर्ट में सीपीसी चलता है आप उसे समझ सकते हैं। मोर ओवर इस सारी चीजों को सीखने के लिए हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ई कोर्ट की वेबसाइट पे जाने के बाद केस के ऑर्डर्स को निकालते हुए इन सारी चीजों को समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या चीजें कोर्ट में चलती हैं। क्योंकि आप भी तो एंड में यही काम करोगे भाई, कोर्ट में ऑर्डर ही तो पास करना होता है जज को। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर कैसे पास किया जाता है, वर्ड्स कौन से चूज किए जाते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को उन ऑर्डर्स को पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी। मोर ओवर लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जजमेंट राइटिंग सीखने की जरूरत है। राजस्थान में तो इनफेक्ट पूछी भी जाती है जजमेंट राइटिंग, सर कैसे सीखूं। मैं बोलूंगा कोई भी फॉर्मेट मत चूज करो, किताबें चूज करने की जरूरत नहीं है। ई कोर्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ लो। सर बहुत सारे जजमेंट कैसे पढ़ूंगा भाई, जैसे मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ, सीपीसी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही ई कोर्ट्स की वेबसाइट को गो थ्रू करते हुए चलेंगे। जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे उतने ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी। और कहते हैं ना, जिस चीज को प्रैक्टिकली पढ़ा हो, समझा हो, महसूस किया हो, वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। तो लॉ जो है वो एक अप्लाइड सब्जेक्ट है और हमें इसे अप्लाइड वे में ही समझना है। मगर अप्लाइड वे में समझने के लिए हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जुडिशियल एस्पिरेंट्स का टाइम बहुत कीमती है, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। इसलिए आप लोगों को यहाँ इसके रेफरेंस में बस कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू ही अपनी प्रोसीडिंग्स को क्लियर करना है। और ये सारा काम मैं आप लोगों के साथ मैं कराऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से बोलूंगा बस आप ध्यान से इन सारी चीजों को समझो और कोर्ट की वेबसाइट जाने के बाद ना एक्सप्लोर करके देखो कि क्या चीजें ऐसे ही काम करती हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। भाई एक्चुअल वे में सीखो। आप हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने के बाद नहीं सीख सकते कि जजमेंट राइटिंग कैसे होती है। और लोग तो 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं फीस जजमेंट राइटिंग पढ़ाने के, और वो भी 20 क्लासेस 30 क्लासेस पढ़ाने के। मैं बोलूंगा आप उन लोगों को जजमेंट लिखना सिखा सकते हो, आप लिखना सिखा सकते हो। क्यों? आपने तो अपनी प्रैक्टिकलिटी से देखा हुआ है ना जजमेंट, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं। तो जो ऑलरेडी वकील जानता है वो हम घर बैठ के सीख सकते हैं, पर सीखने का तरीका होना चाहिए। शिखा कह रही है और यू कैन यूज दी कोड फैजान 92। थैंक यू शिखा। देखो हमेशा मैं एक क्लास में हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कभी भी ना किसी बच्चे को पुश नहीं करता कि भाई तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, किसी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसी बच्चे को पुश नहीं करता और मेरा मन भी नहीं कहता कि मैं किसी को पुश करूं। मगर मैं इतना वादा आप लोगों से कर सकता हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपके एक-एक पैसे की कीमत समझ के आपको इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि आप उसके बाद याद करोगे कि जीवन भर की आपने वो क्लास बहुत अच्छा किया जो ले ली। क्योंकि पूरी जिंदगी आने वाली इन्हीं सीखे हुए चीजों पर चलेगी। और लोग कहते हैं ना यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई कैन नॉट कोट दी नेम ऑफ अ कॉलेज। एक
कॉलेज में मेरा जाना हुआ, मैंने सेमिनार लिया और मैंने वहाँ एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज क्या गया? तो उस पर्सन ने मुझे बोला 1 CR, 1 CR 1 करोड़ रुपए का पैकेज, एक बच्चा जो LLB पास करता है उसका। शायद आप लोग या और कोई पर्सन इसे सोच नहीं सकता, ऐसा लगता है सर ये फिगर तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस ये समझना है कि हमें क्या पढ़कर नौकरी मिलती है, हमें क्या सीखकर नौकरी मिलती है। लोग लॉ पढ़ने के बाद वकालत सीखने के लिए कोर्ट में जाते हैं, आपको क्या लगता है कोई पे करेगा? मगर ऑलरेडी आपने इस तरीके से पढ़ा है कि आप कोर्ट के ऑर्डर समझ सकते हो, प्रोसीडिंग समझ सकते हो, ऑर्डर ऑर्डर रीड कर सकते हो, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग अपने आप में चीजें कर लोगे। बोलिए भाई। हाँ, बिल्कुल, 1 करोड़ का पैकेज, तुम्हें लग रहा होगा 1 करोड़ मिलता है यार, लगता है, बस सुना नहीं होता। आपको लग रहा होगा सर कुछ भी कह रहे, बट आई जस्ट कैन नॉट कोट यू दी नेम क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनी कॉलेज। सर उस कॉलेज का बच्चा इतना पढ़ने में था, मैं बोलता हूँ यार ऐसा, बस मैं क्या बोलूँ तुम्हें उसके आगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ YouTube के ओपन सेशन पे नहीं बोल सकता, पर एक्चुअल में पैकेजेस हैं, एक्चुअल में पैकेजेस हैं। फ्रेशर एडवोकेट को 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज बड़ी बात नहीं है, पर इम्पोर्टेंट फिर वही है कि हम क्या सीख कर पहुंच रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप लोग अपना एग्जाम देते हो हाईकोर्ट रिसर्चर का एग्जाम, हाईकोर्ट रिसर्चर का एग्जाम, आपको पता है 80,000 रुपये मिलते हैं उसे, 80,000 रुपये मिलते हैं हाईकोर्ट रिसर्चर को दिल्ली में। अदर स्टेट का भी यही पोजीशन है, कहीं 40 कहीं 45। तो उससे पहले आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है? नहीं, एक लॉ पढ़ा होता है, एक बेसिक से एग्जाम है। और मैं आपको बताता हूँ, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली सरकारी नौकरी में लॉ पढ़ने के बाद पैसा कम है रादर देन प्राइवेट के। ये उसी तरीके से है जैसे कि इसरो के साइंटिस्ट को सरकारी नौकरी में कम पैसा मिलेगा, अगर वो कहीं प्राइवेटली किसी और जगह जाकर काम करे तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा, मगर देश की सेवा का भाव है जो उन्हें वही जोड़े रखता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप जज बनना चाहते हो तो पैसे के लिए मत बनना, वो पोजीशन, वो रेस्पेक्ट, उसके लिए जज बनना कि आप एक्चुअल में वो इज्जत चाहते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बस सही तरीके से पढ़ लो, पैसा बहुत है, बहुत है, बस सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। चलो खैर, अब मैं वापस से आप लोगों को अपने क्लास की तरफ लेके आता हूं, और बस एक चीज मैं आप लोगों से हमेशा बोलूंगा, इस तैयारी में मेरा एक वादा है आपसे, आप इस तैयारी में कभी भी अकेला फील नहीं करोगे। मैं आप लोगों को हर कदम पर आप लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा, हर कदम पर। तो ये तैयारी कभी भी अकेले नहीं करोगे, ये तैयारी तुम मेरे साथ करोगे, मैं हर जगह तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा हूं। आई हैव टेकन क्लासेस सर की सारी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दी विल बी, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू शिखा। चलिए आइए अब आगे की बात करते हैं। भाई मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि प्लेन पिटीशन और एप्लीकेशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता तो उस केस में सिविल जज के सामने भेज दिया जाता है। अगर सर ऑब्जेक्शन आता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्शन आने के बाद इस ऑब्जेक्शन पर करेक्शन करने की जरूरत है, ऑब्जेक्शन को करेक्शन करना होता है। करेक्शन कौन करता है? तो करेक्शन किया जाता है यहां एडवोकेट के द्वारा, एडवोकेट्स जो हैं वो इस पर करेक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिविल जज के सामने जब इसे भेजा जाता है, तो अगर आप लोगों को याद हो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, लिखा होता है
नेम ऑफ कोर्ट, और उसके बाद आप लिखते हो सिविल सूट, सिविल सूट डैश ऑफ 2024, 2024। अब जैसे ही ये सिविल जज के सामने भेजा जाएगा, वैसे ही यहाँ इसे कोई भी नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे कि हो सकता है इसे नंबर अलॉट कर दिया जाए 176 ऑफ 2024। सर अपनी मर्जी से रेंडम नंबर भेज देते हैं जैसे ओटीपी आता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ इस फैसिलिएशन सेंटर में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिविल सूट का रजिस्टर। जितने भी केस यहाँ ईयर के हिसाब से फाइल होते हैं, वो इसके रेफरेंस में लिस्ट बनाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ 2024, 2024, थर्ड ऑफ 2024। तो इसके रेफरेंस में अगर आपने उस साल में 176वां सूट फाइल किया है, प्लेन फाइल किया है, जो कि जज के सामने जा रहा है, तो उसे वो नंबर यहाँ अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ इसे वो नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ क्या होता है, ये सिविल जज इस केस में हियरिंग लेता है, इस केस में यहाँ हियरिंग लेता है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, इसे हम कहते हैं फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस। ये जज के सामने अब पहली बार सुनवाई की जा रही है। जब पहली बार सुनवाई की जा रही है, तो इस जज जो है वो यहाँ इसमें से कॉन्क्लूजन पर पहुंच सकता है। वो यहाँ इस प्लेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, इस प्लेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, वो इस प्लेंट को रिटर्न कर सकता है, या फिर वो इस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। भाई हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी थी रिजेक्शन से रिलेटेड, ऑर्डर 7 रूल 11 की। ऑर्डर 7 रूल 11 की बात हम लोगों ने ऑलरेडी करी थी। भाई ऑलरेडी हम लोगों ने कहा था कि यहाँ जो पर्सन प्लेंट फाइल कर रहा है, उसे ऑर्डर 7 रूल 1 और ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में याद रखने की ज़रूरत है, वरना प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोर्ट भी वही चीजें चेक कर रहा है जो कि आपको इम्प्रूव कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि कोर्ट में प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, और कोर्ट ने इसे रिटर्न कब करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। भाई मैं कहता हूं कि कोर्ट इस केस में प्लेंट को रिटर्न करके क्या करता है, इसके बारे में बता दूं। भाई कोर्ट जो है, अगर आपने किसी रॉन्ग कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, रॉन्ग कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, तो उस केस में यहां प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाता है। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूं, भाई शालू, एक ही गली में दो शालू नाम की पर्सन रहती हैं। तो अगर सपोज करो कोई पर्सन शालू अग्रवाल के पास आ जाए और उसे जाना था शालू वर्मा के पास, तो शालू बोल देगी ना, भाई देखो वहां चले जाओ, दो गली छोड़ के उनका घर है, वहां उनसे मिल लेना जाके। यानी कि जब कोई पर्सन आया तो रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद क्या किया, रिटर्न करने के बाद स्पेसिफाई कर दिया कि भाई उसे कहाँ जाने की जरूरत है, स्पेसिफाई कर दिया कि उसे कहाँ जाने की जरूरत है। इसके अलावा वहां डेट भी फिक्स कर दी, फिक्स अ डेट, या फिर उसे यहां डिफेंडेंट को नोटिस भी दिलवा दिया। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल शालू नाम की पर्सन आई, आपने बातचीत करी, उसने कहा अच्छा ठीक है गलती से मैं आ गई, अच्छा लगा बात करके, बोले चलो चलो मैं चलती हूँ, मैं जानती हूँ शालू को, मेरी दोस्त है वो, तो हाथ पकड़ के आप उसके पास ले गए। ठीक है, ये वाला घर है, फिक्स अ डेट आपने बता दिया, स्पेसिफाई किया और फिक्स कर दिया डेट। उसके बाद आप और अच्छा लगा वो पर्सन, तो उसके बाद आपने जो है उसके घर पे नॉक किया, बोले अरे यार देखिए तेरे आनी थी मेरे आ गए, तो नोटिस भी दे दिया। तो इसके बारे में यहां आप लोगों से ऑर्डर 7 रूल 10 बात करता है। ऑर्डर 7 रूल 10 कहता है कि प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा। बोलिए भाई बात समझ आ रही है, भाई क्लियर है? बोलो, याद करने में जोर तो नहीं आ रहा? मैं फिर से कहता हूं, अगर याद करने में जोर आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं पढ़ाने वाला अच्छा नहीं हूं। बस 2 बार 3 बार क्लास को देखना और गारंटी से याद हो जाएगा। जोर नहीं लेना, रट्टे नहीं मारने,
प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग के तरीके से जानना है और समझना है। जी, उसके बाद यहां एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? इसके रेफरेंस में ऑर्डर 7 रूल 9 बात करता है। ऑर्डर 7 रूल 9 बात करता है कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब क्या होगा। तो इसके रेफरेंस में ये कहते हैं यहां कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करेगा। भाई ऑर्डर किस चीज का पास करेगा? कोर्ट ऑर्डर पास करेगा समन इशू करने का। कोर्ट ऑर्डर पास करेगा समन इशू करने का, यानी कि कोर्ट कह देगा कि भाई समन इशू करा लो। अब क्या होगा? अब ये जो प्लेंटिफ था ना, ये प्लेंटिफ, ये वापस से यहां कोर्ट के ऑफिस में अप्रोच करेगा। ऑफिस का मतलब क्या फैसिलिएशन सेंटर है? नहीं नहीं नहीं, ये कोर्ट का एक अलग ऑफिस होता है जहां फाइलें रखी जाती हैं। तो प्लेंटिफ जो है वो फिर से कोर्ट के ऑफिस में अप्रोच करेगा और बोलेगा कि भाई जज साहब ने ना हमारे में जो है समन बोल दिया है कि इशू कर देना, तो समन भेज देना डिफेंडेंट को। तो कोर्ट का ऑफिस उससे कहेगा कि भैया ऐसे ही समन नहीं जाता, आपको इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। सर इतनी खुले तौर पर रिश्वत मांगते? नहीं नहीं नहीं, रिश्वत नहीं है ये, ये है जिस एनवलप में समन डल कर जाएगा उसकी जो पैसे हैं वो प्लेंटिफ को देने होते हैं, जिसे हम प्रोसेस फीस के नाम से जानते हैं, जिसे हम, हाँ जी, जिसे हम प्रोसेस फीस के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों से ऑर्डर 7 रूल 9 कह रहा है। बोलिए भाई, बात समझ आ गई? अब अगर प्लेंटिफ ने कोर्ट की प्रोसेस फी के पे कर दी, भाई प्लेंटिफ ने कोर्ट की प्रोसेस फीस पेड कर दी, पेड प्रोसेस फीस, भाई प्रोसेस फीस पेस कर पेड कर दी, तो अब कोर्ट जो है, जो कोर्ट का ऑफिस है वो यहां समन इशू कर देगा डिफेंडेंट को। समन इशू कर देगा डिफेंडेंट को, ठीक है? बोलिए भाई, ये जो समन इशू करता है डिफेंडेंट को, इसके रेफरेंस में आप लोगों से ऑर्डर 5 बात करता है। समन इशू करने के रेफरेंस में आप लोगों से यहां ऑर्डर 5 बात करता है कि भाई समन इशू किया जा सकता है। बोलिए भाई, अब एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां ये जो समन इशू करने का प्रोसेस है इसके बारे में यहां क्या क्या कहा जाता है। तो पहली बात, जो समन इशू किया जाएगा कोर्ट के ऑफिस से वो 30 डेज में किया जाएगा। 30 डेज में कोर्ट के ऑफिस से समन इशू किया जाएगा। उसके बाद समन इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, समन इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा और कौन समन सर्व करेगा, भाई कौन समन सर्व करेगा। तो ये कहते हैं इसके रेफरेंस में, सबसे पहले यहां प्लेंट प्लस समन जाएगा। पहली बात, समन अकेला नहीं जाएगा, तो प्लेंट प्लस समन जो है वो यहां जाएगा। कौन दे सकता है? तो इसके रेफरेंस में यहां रूल 9 आप लोगों से बात करता है। रूल 9 ये कहते हैं समन जो है वो बेलिफ के द्वारा दिलवाया जाता है। बेलिफ जो है उसके द्वारा समन दिलवाया जाता है। रूल 9 ए कहता है कि दस्ती समन भी दे सकते हो। रूल 9 ए कहता है कि दस्ती समन भी दे सकते हो, यानी कि कोई पर्सन जो कि प्लेंटिफ है वो बाई हैंड जाकर भी समन किसी को दे सकता है। तो समन देने का तरीका क्या है इसके बारे में बात करी। सर अगर समन लेने से मना कर दे, समन लेने से मना कर दे तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो इसके रेफरेंस में आप लोगों को रूल 17 और रूल 20 बताएगा। डिफेंडेंट डिनाई टू टेक समन, डिफेंडेंट डिनाई टू टेक समन, भाई डिफेंडेंट ने समन नहीं लिया। कहते हैं ना कोर्ट से समन आए कागज आए मत लो। तो रूल 17 और रूल 19 रूल 20 लगता है। रूल 17 कहता है
भाई इस केस में क्या करोगे, कॉन्स्पिशियस पार्ट पर चिपका दोगे, कॉन्स्पिशियस पार्ट पर चिपका दोगे। रूल 20 कहता है इस केस में सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज की जाएगी। दोनों में क्या होता है बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज में क्या होता है। तो रूल 17 कहता है कॉन्स्पिशियस प्लेस पर चिपका दो, और उस केस में रूल 20 कहता है यहाँ सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज की जाएंगी। बोलिए भाई, बात समझ आ रही है? बोलो जी दोस्तों, जी इसके रेफरेंस में और आगे क्या होता है, तो मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में आगे की चीजें बताऊंगा, बट फिर से अपने चार्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहां मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि कोर्ट के ऑफिस से समन इशू हो चुका है डिफेंडेंट को, समन इशू हो चुका है डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट क्या करेगा, तो इसके रेफरेंस में डिफेंडेंट क्या करेगा, यहां आप लोगों को आगे की चीजें बात करते हैं। भाई डिफेंडेंट इस केस में रिटन स्टेटमेंट लेकर आ सकता है, डिफेंडेंट इस केस में रिटन स्टेटमेंट लेकर आ सकता है, ये बात आप लोगों से ऑर्डर 8 कहता है। डिफेंडेंट इस केस में यहां ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर सेट ऑफ लेके आ सकता है। भाई सेट ऑफ का क्या मतलब है, डिफेंडेंट भी क्लेम निकालता है अगेंस्ट डिफेंडेंट, इक्वल क्लेम निकालता है अगेंस्ट प्लेंटिफ, अगेंस्ट प्लेंटिफ। भाई जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है उनसे जरा सारा कुछ कहो वो दूसरे में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, कह रहे तू भी तो देख अपने आप को ऐसा है, तूने भी तो ये किया था मेरे साथ, तूने भी तो ऐसा किया था, है ना, ऐसा होता है ना। जैसे कि वाइफ से हस्बैंड थोड़ी सी शिकायत कर दे तो वाइफ कहना शुरू कर देती, तुम्हें तो आज तक मेरी कौन सी चीज पसंद है, तुम अपना तो देखते नहीं, कभी भी मैं साथ जाती हूं तुम मेरे साथ क्या क्या करते हो, मैं पीछे पीछे चलती हूँ तुम बहुत आगे निकल जाते हो, मैं कोई सामान खरीद रही होती हूँ तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, तुम्हें याद है पिछली बार हम शॉपिंग पे गए थे और मैं साड़ी खरीद रही थी, मैंने तुमसे कहा देख लो देख लो देख लो, मगर तुम्हें तो अपने ऑफिस के फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। बताओ ऐसा होता है, सेट ऑफ, पल्ला कमजोर नहीं रहना चाहिए। बोलिए भाई, पल्ला कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। या फिर ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम। भाई काउंटर क्लेम का क्या मतलब है, अब जो है वो क्लेम एडिशनल है, एडिशनल क्लेम देन प्लेंटिफ, एडिशनल क्लेम देन प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ से एडिशनल क्लेम है। जैसे कि छोटी सी शिकायत के बारे पूरा पिटारा खोल दिया, होता है ना, बड़ा हथियार है, बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ी बातें बोलेंगे, एडिशनल क्लेम, दिस इज काउंटर क्लेम, दिस इज काउंटर क्लेम। तो ये कर सकता है सर, कुछ और भी कर सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। एक है सेक्शन 24, ये है कि साहब हमें ये जज ही पसंद नहीं है, हम इस जज से अपनी सुनवाई ही नहीं करवाना चाहते, तो यहां सेक्शन 24 और 25, ये है ट्रांसफर एप्लीकेशन, ये है ट्रांसफर एप्लीकेशन। भाई इस जज से हम सुनवाई नहीं करवाना चाहते, हमारी मर्जी ही नहीं है कि हमारे इस केस में ये जज सुनवाई करे,
तो सेक्शन 24 में ये एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लग सकती है या फिर हाई कोर्ट के सामने लग सकती है। और सेक्शन 25 में अगर स्टेट चेंज करवाना हो तो ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लग सकती है। जैसे कि मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक केस था, ऑल्दो ना ट्रांसफर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयर केसेस में एंटरटेन करता है, मगर क्या हुआ कि एक केस था जहाँ वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड को और जो है उसकी मदर को भी ना उस केस में जो है जो बना रखा था एक्यूज बना रखा था, और इनफैक्ट उसके ऊपर सिविल केसेस भी डैमेजेस के लिए फाइल कर रखा था। अब जो मदर थी ना उसकी, उसके बेसिस पर हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश करी। तो वैसे तो जज अलाउड नहीं करता, मगर उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट में हमने उसके रेफरेंस में उसे प्लीड किया तो जज मान गया और एग्री कर दिया। तो कभी कभी किसी पार्टी को आप एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देते हो, ऑल्दो उसकी मदर उसके साथ रहती भी नहीं थी, मगर जैसे ही आप किसी पार्टी को एडिशनली इंक्लूड कर देते हो तो उसके बेसिस पर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप डिफेंडेंट को एक नया ग्राउंड दे देते हो चीज़ों को क्लेम करने के लिए। ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि एक्चुअल में जो एलिगेशन का बलून है वो प्लेंटिफ जो है उसे जो है पूरी तरीके से फुलाना होता है, पूरा बर्डन जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है, डिफेंडेंट को बस उस केस में छोटी सी पिन मारने की जरूरत है ताकि एलिगेशंस खत्म हो जाए। और सीपीसी तो डिफेंडेंट को बहुत सारे रास्ते देता हुआ नजर आता है, रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में, सेट ऑफ के फॉर्म में, काउंटर क्लेम के फॉर्म में, ट्रांसफर एप्लीकेशन के फॉर्म में, बहुत सारे रास्ते देते हुए नजर आता है। इसलिए जरूरी है कि जो भी कुछ किया जाए, प्लेंट में जो भी कुछ लिखा जाए उसे बहुत सोच समझकर लिखने की जरूरत है। बोलिए भाई दोस्तों, यहां तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? बताइए भाई, यहां तक ये बात आप लोगों को समझ आई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है? बोलो जी दोस्तों, जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ आई है भाई, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर है? अब इसके रेफरेंस में मैं 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के, बस 5 मिनट, और उसके बाद यहां चीजें खत्म हो जाएंगी, बस 5 मिनट और, ठीक है? तो बस अपने 5 मिनट और दीजिए मुझे और उसके बाद में ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा भाई। उसके बाद अब होता क्या है, तो मैं अब आप लोगों को एक बार इसके पॉइंटर्स के फॉर्म में चीजें बताता हुआ चलता हूं भाई। क्या होता है यहां, अब कोर्ट जो है वो यहाँ चीजें मीडिएशन सेंटर में भेज देता है। कोर्ट जो है रिटन स्टेटमेंट आने के बाद यहाँ केस को मीडिएशन सेंटर में भेज देता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ क्या होता है, उसके बाद यहाँ मीडिएशन सेंटर की रिपोर्ट आती है, मीडिएशन रिपोर्ट सेंटर की रिपोर्ट आती है। मीडिएशन सेंटर की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव हो सकती है, वो रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है, यानी कि डिस्प्यूट पार्टीज के बीच में रिजॉल्व हो गया, डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो गया। इस केस में अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो कोर्ट यहाँ कंसेंट डिक्री पास कर देगा, कोर्ट यहाँ कंसेंट डिक्री पास कर देगा। अगर ये रिपोर्ट निगेटिव आई, यानी कि इसका मतलब है डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट जो है मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को रिपोर्ट आई है। अब इसके बाद क्या होगा, कोर्ट यहां वापस से हियरिंग करेगा, कोर्ट यहां हियरिंग करेगा, कोर्ट की हियरिंग में इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, कोर्ट की हियरिंग में यहां इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, यानी कि किस केस के बेसिस पर
पार्टीज के बीच में एक्चुअल इशू क्या है, यहाँ इसके बेसिस पर कोर्ट इस चीज को सुनेगा। उसके बाद इसके रेफरेंस में आगे की बात करते हैं कि भाई अब फ्रेम इशू फ्रेम होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले एडमिशन और डिनाइल फाइल होता है, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को एडमिट करती हैं और डिनाई करती हैं। उसके बाद यहाँ लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल की जाती है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल की जाती है, भाई कौन कौन विटनेसेस हैं। अगर किसी पार्टी को एडमिशन करना है क्लेम का, तो एडमिशन जो है वो कर सकता है। अगर यहाँ साथ में यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ फाइल किए जाते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकता है। मगर इसी दौरान कोर्ट को रीजन लगता है कि भाई यहाँ एडजर्नमेंट होना चाहिए, तो एडजर्नमेंट भी ग्रांट किया जा सकता है। मगर मैक्सिमम एडजर्नमेंट लॉ में 3 दिन के दे रखा है, मैक्सिमम 3 डेज जो है, 3 टाइम्स एडजर्नमेंट दे रखी है। क्या इससे ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल होती है, कैसे बात करेंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ ट्रायल में फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होता है। फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होता है। जब फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होता है, तो प्लेंटिफ यहाँ इस केस में अपने एविडेंसेस देता है। प्लेंटिफ जो है वो अपने फेवर में एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है। कोर्ट इसके सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करता है। कोर्ट इसके सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करता है, इसके बारे में बात होती है। उसके बाद यहाँ डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डिफेंडेंट के एविडेंस आते हैं। डिफेंडेंट के एविडेंस जैसे ही क्लोज होते हैं, उसके बाद यहाँ जजमेंट आता है, और जजमेंट के बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ डिक्री आ जाती है। जजमेंट के बाद यहाँ डिक्री आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ डिक्री आ गई, डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है। डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है। सर एग्जीक्यूशन कौन से कोर्ट में हो सकता है, एग्जीक्यूशन कौन से कोर्ट में हो सकता है? तो इसके रेफरेंस में आप लोगों को सेक्शन 36 से लेकर 55 तक के प्रोविजंस नजर आएंगे। साथ में आप लोगों को ऑर्डर 21 भी नजर आएगा। एग्जीक्यूशन कहाँ, किस कैसे कोर्ट में हो सकता है? सर क्या यहाँ सीपीसी एंड हो जाता है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, सीपीसी यही खत्म नहीं होता, सीपीसी यही खत्म नहीं होता। सीपीसी में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सीपीसी में यहाँ सप्लीमेंट्री प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस जो प्रोसीडिंग के साथ साथ चलता है। ये प्रोसेस क्या होता है? ये है अटैचमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट। यानी कि कोई पार्टी ऐसी है जो कि लगता है क्या कर सकती है, अगर वो देश छोड़कर भाग सकती है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, तो उस केस में उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, या फिर उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कोर्ट उस पर्सन से सिक्योरिटी भी ले सकता है कि भाई उसके अगेंस्ट अगर डिग्री पास हो गई, तो उस केस में क्या वो सारी चीज़ों को पे भी कर पाएगा या नहीं। अगर पार्टी को लगता है कि विड्रॉल होना चाहिए, तो विड्रॉल भी किया जा सकता है सूट का। उसके बाद यहाँ अगर पार्टी किसी चीज़ को छोड़ के भागना चाहती है, तो उस केस में सूट को अबेट कहते हैं, अबेटमेंट होता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, इसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि भाई कोर्ट में पेमेंट करवाना चाहिए, तो कोर्ट में पेमेंट भी हो सकता है। सर ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? भाई ये जैसे आप लोगों को ऑर्डर 23 में मिलेगा, ये ऑर्डर 22 में मिलेगा, ये ऑर्डर 24 में मिलेगा, ऐसे करके आप लोगों को अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑर्डर 38 में मिलेगा।
तो चीजें जो है आप लोगों को इस तरीके से लिखी हुई अदर अदर सेक्शंस में नजर आती हैं। बोलिए भाई, यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ रही है? बताइए भाई दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो काम कर रही हैं उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने चीजें जान ली। जी भाई, अब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है इस प्रोसीडिंग के बारे में, तो पूछ सकता है। ठीक है, मैं 5 मिनट आप लोगों का यही इंतजार कर रहा हूं। भाई, पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों को इसके रेफरेंस में कुछ भी जानना हो, कुछ भी जानना हो तो आप जान सकते हो। भाई, शुरू से लेकर एंड तक किसी को कुछ भी जानना हो तो जान सकता है। और आप लोगों को फाइनली वापस से याद दिला देना चाहता हूं कि भाई आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है जहां आप फैजान 92 कोड यूज करके आप ऑफर को अवेल कर सकते हो। आज आखिरी दिन है इस ऑफर को अवेल करने का, 28 मार्च आखिरी दिन है। इनफैक्ट मैं तो ऐसे बोलूंगा चंद ही घंटे बचे हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आप राजस्थान के एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप राजस्थान के एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो 10:30 बजे से मैं आप लोगों के साथ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस का जो एक्ट है वो कवर करवाने वाला हूँ। पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस का जो एक्ट है वो कवर करवाने वाला हूँ, तो अगर किसी का कोई सवाल हो उस पर तो पूछ सकता है। हाँ भाई दोस्तों, किसी का कोई सवाल? थैंक यू शालू। मैं फिर से बोलूंगा, 5 मिनट का समय है, कोई कुछ पूछना चाहता है। विल दिस सीरीज बी कंटिन्यूड? बेटा नहीं, अनएकेडमी का सब आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, स्पेशल क्लासेस में हम चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ एक इंडिविजुअल क्लास थी, बाकी की सारी क्लासेस आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगी अनएकेडमी पर। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप इसकी डिटेल क्लासेस लेना चाहते हैं ना, तो 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए एक बैच, मतलब इनफैक्ट मैं ऐसे बोलूंगा 99 रुपीज़ में पूरा सीपीसी पढ़ सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ में पूरा सीपीसी विद डिटेल, एक सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है, सीपीसी अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको 99 रुपीज़ में सीपीसी मिल जाएगा। और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ही स्पेशली मैं ये लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग जो है 99 रुपीज़ में इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कवर कर पाओ। मगर मैं आप लोगों से बोलूँगा वो 99 रुपीज़ वर्थ फुल रहेंगे आप लोगों के लिए। जी, सच में ऐसे ही पढ़ाया है डिटेल में, 99 रुपीज़, सिर्फ 99 रुपीज़ में, मगर मिलेगा सिर्फ सीपीसी और कुछ नहीं। हाँ जी, अनएकेडमी पे सिर्फ सीपीसी मिलेगा और मेरी ही क्लासेस ही मिलेंगी। भाई बताओ, सही रहेगा? बाकी आप लोगों को फिर से याद दिला रहा हूँ भाई, फैजान 92 कोड यूज़ करके
आप आज लास्ट डे है, 20% तक का ऑफ ले सकते हैं और 12 महीने का एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिलने वाला है। हाँ भाई दोस्तों, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है जी। नहीं, बट एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मतलब आप सभी लोगों ने, मुझे लगा कि एक्चुअल में ऐसी चीजों को करने की जरूरत है, तो मैं आप लोगों से एक चीज और बोल सकता हूं कि एक-एक करके मैं आप लोगों के साथ और सब्जेक्ट भी लेकर आऊंगा जहां मात्र 99 रुपीज में ही आप अदर सब्जेक्ट देख पाएंगे। मगर डिमांड आप ही लोगों की तरफ से आएगी कि अगला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, मगर उसके लिए आप लोगों को पहले सीपीसी को सक्सेसफुल बनाने की ज़रूरत है कि आप लोग एक्चुअल में ऐसी क्लासेस की नीड में हैं जहां आपको ऐसे कोर्सेस उस एफोर्डेबल प्राइस में मिले तो आप लेने के लिए तैयार हो। जो अभी कंटिन्यूएशन में हुआ उसका जी बिल्कुल 99 रुपीज में पूरा इन कंटिन्यूएशन डिटेल में। सर आपकी क्लासेस के लिए 99 बहुत ज़्यादा कम है जी, बिल्कुल। बट मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स उस कंटेंट को जाने जिसे पढ़ने के बाद एक्चुअल में जज का एग्ज़ाम निकलता है, वो सिर्फ ट्रांसलेशन में फंस के ना रह जाए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ट्रांसलेशन पढ़ा और बात खत्म हो गई, ट्रांसलेशन पढ़ा और बात खत्म हो गई, बेरेट को सेक्शन से पढ़ा बात खत्म हो गई। यार जज बनने वाले हो तुम, तुम्हें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाने की ज़रूरत है, उस कुर्सी पर बैठने की जरूरत है। तो तुम्हें ये रियलाइज होना जरूरी है कि वो कुर्सी पे जो पकड़ होती है ना, जहाँ कोई भी आपसे आगे नहीं आ सकता, आपके खड़े होकर आपकी नॉलेज को चैलेंज नहीं कर सकता, वो एक्चुअल नॉलेज है क्या जिसके बेसिस पर एक जज बैठकर पूरा कोर्ट चला रहा होता है, वो जानने की जरूरत है। क्योंकि जज की तैयारी बहुत करते हैं मगर बनते कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि पढ़ने का तरीका गलत है, पढ़ने की अप्रोच गलत है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। बच्चा तैयारी करता है प्री के हिसाब से, मगर उसे तैयारी करनी चाहिए मेंस के हिसाब से, और प्री की तैयारी में वो अपने आप को फंसा लेता है और पूरी तरीके से थक जाता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, ये चक्रव्यूह की तरह नजर आएगा। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से कह दूं कि रूफ सीलिंग फैन ऑन करने के बाद, छत का पंखा खोलने के बाद किसी रोक के दिखाओ और हाथों से उसे रोकने की कोशिश करो, तो उसमें क्या होगा? थक जाओगे, चोट आएगी, और उसके बाद मैं कहूं दोबारा चला के कि इसे दोबारा रोक के दिखाओ, तो हाथ जोड़ लोगे, सर नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर मैं आपको बता दूं कि स्विच है ऑन ऑफ करना है, तो आप 10 बार कर लोगे, 10 बार कर लोगे। तो जो परेशानी है ना, वो यही है कि बच्चा एक्चुअल में हाथ से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसे बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। उसे चीजें ऐसे करने की जरूरत है ताकि वो अच्छे से और आराम से चीजें कर जाए। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको पढ़ने के बाद दिमाग पर जोर आ रहा है याद करने में, तो इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाने वाला नहीं हूं। आप 2 बार 3 बार कंटेंट देखो और आपको रिटेन होने लगे। मैं नहीं कहूँगा 100%, मैं कहूँगा 50% रिटेन होने लगे, तब वे कहना कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। बताओ, यही तो अच्छा पढ़ाने वाले की बात है, वरना तो कोई भी किताब पढ़ के पढ़ा रहा है। चलिए भाई, तो आज के लिए फिलहाल इस क्लास को यही वाइंड अप कर लेते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।